अकबर की पॉलिसी बोली जा सकती है, फिर कबीर, गुरु नानक, औरंगजेब की कैसे फेल हुई, या रोल ऑफ कल्चर इन गुप्ता टाइम, या आपका हड़प्पन टाइम, उसके बाद पोएट्स का कैसे। मैं आपको जगह जगह से एग्जाम्पल बता रही हूँ, जो आप जैसे हिस्ट्री के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि एक पॉइंट आपने मान लो कोटिल्ला का रखा कि पोएट्स, मतलब ही हैज रिटन अ थीसिस, इट वाज नॉट एग्जैक्टली पोएट बट उसकी पोएटिक स्किल्स थी, और कैसे ही वाज अ गुड लेजिस्लेटर आल्सो, या कैसे हमारी एंशियंट स्क्रिप्चर्स जो हैं वो पोएटिक वर्सेस के फॉर्म में लिखी गई थी, चाहे वो हमारी माइथोलॉजी हो, तो कैसे दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अ लेजिस्लेशन। लेकिन फिर हिस्ट्री के और भी एग्जाम्पल होंगे ना, वेदाज हो गए, महाभारता, रामायणा, रामायणा तो खैर ज्यादा नहीं, बट पोएटिक फॉर्म में, हिम्स की फॉर्म में, और जैसे आपकी बुक्स हैं, ब्राह्मणाज है या मनुस्मृति है, इस तरीके की जो किताबें हैं जिसमें काफी वर्सेस या काफी पोएटिक फॉर्म यूज हुई है बट वो लेजिस्लेशन में भी काम आई है। तो इसमें जो एक टॉपिक बताया था कि पोएट्स लेजिस्लेटर, मतलब पोएट्स आर गुड लेजिस्लेटर करके, आई विल कम बैक टू द टॉपिक, बट उसको आपने कैसे बहुत सारे जगह जगह से हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स लिए, तो इसमें मोर देन वन पैराग्राफ भी हो सकता है। लिंक कॉन्स्टिट्यूशन विद एसे इफ पॉसिबल, बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल डू नॉट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। एफ आर्स, प्रियम्बल, बी आर अम्बेडकर को कोट कीजिए जो उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं आएगा तब तक आप जो हमारे इल्स ऑफ सोसाइटी हैं, चाहे वो कास्ट सिस्टम हो या पेट्रियार्की हो, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन आपका कॉर्नर स्टोन नहीं बनेगा सोसाइटी को कवर करने का, तब तक जस्टिस नहीं इंश्योर हो सकता। तो ये चीजें आप टॉपिक से लिंक कर सकते हो, आपकी डीपीएसपी हो गई, या इसमें फेडरलिज्म का यूज कि कैसे फ्लेक्सिबिलिटी एक कॉन्स्टिट्यू मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन को और स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। माइथोलॉजी के एग्जाम्पल जैसे कृष्णा की भगवत गीता कैन बी कोटेड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। फिर जो भी आपको और थिंकर्स या कोटिल्ला की कोई बात, या कोई और जैसे कबीरदास का कोई दोहा, या भक्ति सेंड में से किसी की बात, इस तरीके के कोई पॉइंट याद आ रहे हैं, तो आप उसको माइथोलॉजी से भी लिंक कर सकते हो। साइंस का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, नॉलेज स्कूल का जैसे आपका कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव हो गया, नीत्से का पोस्ट मॉडर्निज्म, मतलब जो पोस्ट मॉडर्निज्म है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, कि देयर इज इंडिविजुअल ट्रूथ्स बिकॉज दीज आर डेवलप्ड योर बाय योर ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड, या कैसे फूको ने बात करी थी कि गवर्नमेंटालिटी की बात हो गई, या जो पावर का पर्सपेक्टिव है। तो ये चीज जो है ये आपकी, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी चीजें आपको समझ आएंगी, रेलेवेंट चीजें पता लगेंगी, फिर आपको कहीं ना कहीं से वो चीजें कोट कर सकते हो कि एब्सोल्यूट ट्रूथ किस किसने नहीं, मतलब किस किसने बोला है कि नहीं होता है, नहीं होता है, या खुद की इंडिविजुअल जर्नी होती है। तो नॉलेज स्कूल्स को आप पढ़ोगे तो फिर उनको कहीं ना कहीं कोट भी कर पाओगे, ठीक है। अथॉरिटेरियनिज्म के टाइम पे जैसे एक टॉपिक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी एक थीम आई हैव प्रिपेयर्ड, या आप जनरली प्रिपेयर करते हैं, बहुत क्लीशेड लगता है बट इसका जब आप मटेरियल तैयार करोगे तो उसमें आपको अथॉरिटेरियनिज्म के, जब आप इसका जो अदर स्कूल ऑफ थॉट है उसके बारे में करोगे, देन यू विल गेट टू नो अबाउट दीज नॉलेज स्कूल्स, कि पोस्ट मॉडर्निज्म कैसे गवर्नमेंटैलिटी की बात करता है, या कैसे फास्टिज्म इन थिंकर्स ने इंटरप्रेट करा, ठीक है, कैसे पोस्ट कॉलोनियलिज्म इसी फिलॉसफी पे बेस्ड था कि अपना एक ट्रूथ प्रोजेक्ट कर दो, नरेटिव सेट कर दो, बट वो नरेटिव ट्रूथ ही नहीं है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ ही नहीं है वर्ल्ड में। और ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है जो मैं बात कर रही थी नॉलेज स्कूल्स की, वो इस टॉपिक से भी लिंक हो सकता है, जो आपका था कि यू आर नॉट स्टेपिंग इन द रिवर, मतलब सेम रिवर अगेन, कि ये बुद्धिज्म जो फिलॉसफी है कि एवरीथिंग इज ट्रांजिएंट, यूनिवर्स इज ट्रांजिएंट, एवरी मोमेंट इज चेंजिंग, ईथर मॉलिक्यूल्स वो कैसे फटाफट चेंज हो रहे हैं, तो कोई ट्रूथ एक नहीं है, इट इज चेंजिंग वेरी
वेरी फ्रीक्वेंटली. तो वही चीज कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ. तो उस केस में आप पोस्ट मॉडर्निज्म का एग्जांपल आराम से